द केमिस्ट्री क्लासेस, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमने क्या निकाला था, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का ईएमएफ यदि हमें कैलकुलेट करना हो विद द हेल्प ऑफ नैनोस्टैटिकेशन तो कैसे करते हैं। तो जो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, हमारे पास ई सेल, जिसका भी हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट मतलब ईएमएफ एट द स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.059 अपॉन एन, और यहां पे क्या था आपके पास लॉग 1 अपॉन उस मेटल के आयंस, तो एम एन प्लस। अब देखो ऊपर एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो एम सॉलिड फॉर्म है तो किसी भी मेटल का जो सॉलिड फॉर्म है मीन्स कंसेंट्रेशन का जो चेंज है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, वो क्या होता है, यूनिटी होता है। तो ये हमारे पास सिंगल सेल का ही एफ था, सिंगल इलेक्ट्रोड का ही एफ था। अब अगर हमें निकालना है किसी भी सेल का, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सेल बनाएंगे, इलेक्ट्रोड का हम क्या कर सकते हैं, तो हम सेल बनाते हैं। तो किसी भी सेल में आपको बताया कि दो कंटेनर्स होते हैं, हम बात करें गैल्वेनिक सेल्स की, वोल्टिक सेल की, तो दो कंटेनर्स होते हैं, एक कैथोड पे क्या होता है, एनोड्स पर। तो लेट मानो ये आपका क्या है, कैथोड पर, और ये क्या आपका एनोड पर। तो हमारे पास जनरल एक्शन जो है वो किसकी है, वो हम ले रहे हैं आपके पास वोल्टिक सेल का है, गैल्वेनिक सेल का। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि यदि हम सेल को रिपेंड करेंगे तो क्या दे रखा है कि माना हमारे पास दे रखा है कि जेड एन सॉलिड प्लस सी यू एक्वस प्लस टू, और यहाँ पे क्या बना हुआ है सी यू सॉलिड और प्लस जेड एन एक्वस प्लस टू, जेड एन एक्वस प्लस टू। तो जेड एन एक्वस प्लस टू क्या रिपेंड करेगा कि हमारे पास दोनों में चेंज आ रहा है। अब हमारा काम क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करना। तो क्या लिखेंगे आप कि हमारे पास जेड एन कहां कन्वर्ट हो रहा है, कि जेड एन जो हो रहा है हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है जेड एन प्लस टू में, और ये क्या रिपेंड कर रहा है इसकी फेस बाउंड्री, और ये क्या रिपेंड करेगा इसके बीच के साल्ट ब्रिज को। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कॉपर प्लस आयन इज कन्वर्टिंग इंटू सी यू, इज कन्वर्टिंग इंटू सी यू, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें निकालना है सेल का ही एमएफ, ठीक है। तो मेन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या था आपका, ई सेल यदि हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई नॉट या ई सेल ऑफ कैथोड, ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल ऑफ द एनोड, ई सेल ऑफ द कैथोड माइनस ई सेल ऑफ द एनोड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों चीज को हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या थी? हम निकालते हैं कैथोड का, तो कैथोड पे हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास जो कैथोड है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का। तो यदि हम निकालेंगे ई सेल ऑफ द कॉपर, तो कॉपर प्लस टू इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट कॉपर प्लस टू और माइनस 0.059 अपॉन एन। अब फिलहाल हम देखो यहाँ पे एन कर रहे हैं, इसको बाद में आप टू कर सकते हो, यहाँ पे एन क्या है आपका टू है, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग टेन है, समझने की बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन अपॉन नीचे क्या आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉपर आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारे पास कहाँ पर है, पहली इक्वेशन, और सेकेंड हम क्या निकालते हैं एनोड पर, तो क्या हो जाएगा जेड एन प्लस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नॉट, ठीक है। तो देखो आप इसको लिखेंगे क्या इसी तरह की, हमारे पास किसको निकाल रहे हैं जेड एन से जेड एन प्लस टू, तो क्या आ जाएगा जेड एन प्लस टू ओब्लिक जेड एन माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग वन अपॉन जेड एन एन की कंसेंट्रेशन। तो ये क्या है हमारे पास सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के ईएमएफ है। अब हमें क्या निकालना है कि इसका ईएमएफ, तो हमें अगर ना यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट है, तो हमें करना है कि कैथोड माइनस एनोड। तो जो हमारा ई सेल आएगा इस पूरे का, अब बोल देंगे आप इसको ई सेल फोर, ठीक है। ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रोड गया, अब क्या बनेगा आपके पास ई सेल का, तो क्या लिखेंगे आप ई कैथोड, तो कैथोड क्या है हमारे पास कॉपर, कॉपर प्लस आयंस ओब्लिक ये, और माइनस क्या आ जाएगा ई जेड एन प्लस टू ओब्लिक जेड एन, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, इसको घटाना है।
अब हमें क्या करना है कि इनकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रब करते हैं। तो ओके देखो हमने जो वैल्यू पुट कर दी तो क्या कह सकते हैं, ई सेल क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ ई सेल ऑफ द कॉपर माइनस ई सेल ऑफ द जिंक। तो हमने सिर्फ वैल्यू लगा दी है, ई नॉट ऑफ द कॉपर माइनस 0.05 अपॉन एन 1 अपॉन Cu+2 माइनस, और ये क्या होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। इससे देखो फायदा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या आएगा माइनस का, तो क्या कर सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में साल दे देते हैं। तो हमारे पास का ई नॉट Cu+2 / Cu और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा Zn+2 / Zn। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या है कि हम चाह रहे हैं कि यहां से ये क्या आपके पास, ये जो है आपके पास एक टर्म्स हो गया, ठीक है। हम चाह रहे हैं यहां से आ रहा माइनस के 0.059 अपॉन एन कॉमन लिया, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये क्या है प्लस का और ये क्या है माइनस का, ये क्या है प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो उसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा लॉग, ठीक है। या आप सिंपल आप कह सकते हैं कि बिना कॉमन लिए हमारे पास क्या जाएगा लॉग, यहां पे क्या आ जाएगा Zn+2 Zn, यहां पे क्या आएगा सिंपल, यहां पे आएगा 1 अपॉन Zn+2, ठीक है ना। ये क्या हो गया प्लस का और ये कहां हो जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग 1 अपॉन Cu+2 की कंसेंट्रेशन, प्लस टू की कंसेंट्रेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन। इस चीज को हम कह सकते हैं कि ई नॉट ऑफ द सेल, ये टर्म्स क्या बन जाएगा पूरा ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। अब देखो यहां पे क्या है हमारे पास के लॉग, ये क्या है आपके पास 1 अपॉन जिंक और ये क्या है 1 अपॉन ये, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। तो उसको लेके आएगा लॉग एम माइनस एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, तो क्या हो सकता है कि लॉग Zn+2 की कंसेंट्रेशन, देखो वन क्या अगर आप बोलते हैं लॉग 1 - ये और माइनस 1 - ये, तो लॉग 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो सकता है कि लॉग Zn, लॉग Zn और माइनस क्या हो जाएगा लॉग Cu, तो ये कहां आ जाएगा इसके नीचे, तो नीचे क्या आएगा आपके पास में +2 कॉपर आयन। तो ये हमारे पास क्या बन गई ई सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि इसको हम एक बार बोल सकते हैं कि हमारे पास ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन, यहां पे हम टू रख सकते हैं। अब यहां पे क्या आएगा लॉग, अब देखो ये कहां पे था आपके पास एनोडिक आयन, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एनोडिक आयन कंसेंट्रेशन और अपॉन क्या आ जाएगा कैथोडिक आयन कंसेंट्रेशन, कैथोडिक आयन कंसेंट्रेशन मीन्स मोल्स पर लीटर में क्या आएगी इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास ई सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल, ई सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। तो यहां पे आपने क्या देखा कि हमें किसी को निकालना है किसी भी सेल का ईएमएफ, तो उसमें क्या आएगा जो आपके पास मोर रिएक्टिव मेटल है दैट कैन डिस्प्लेस अदर मेटल्स उसका कंसेंट्रेशन अपॉन नीचे क्या था आपके पास वो मेटल्स दैट कैन बी रिड्यूस, दैट कैन बी रिड्यूस। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडाइज मेटल्स आयन, मेटल आयन और अपॉन क्या आएगा आपके पास रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मेटल आयन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम इसको जो है एक क्वेश्चन के बिहाफ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन का देखा है कि Fe सॉल्ट ओब्लिक हमारे पास क्या है कि Fe आयन सी कंसेंट्रेशन दे रखी है और साल्ट ब्रिज और हमारे पास बार क्या है कि हाइड्रोन आयन 1 मोलर है और क्या बनना है इसे हाइड्रोन गैस बननी है। तो हमारा काम क्या है कि पहले इसमें एन देखना है। अब एन देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि वैसे हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है +2 आयन है और यहाँ पे क्या है +1 आयन, तो एन क्या आएगा 2 आएगा। बट इस फेज के बाद भी हम इसको प्रेशर की फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखेंगे Fe सॉलिड फॉर्म और यहाँ पे क्या है ये +H आयन, तो दोनों के फर्स्ट पार्ट ले लेंगे आप और इधर क्या बनना है आपके पास Fe +2 एक्वस, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है और प्लस हमें क्या चाहिए H2 गैस, क्या चाहिए H2 गैस,
तो हमें बताया कि यहाँ पे आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ करना पड़ेंगे आपको इसको ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू और यहाँ पे क्या आएगा टू, तो उसका मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एन कितना आ गया आपके लिए टू, तो उसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रो जो आपका आयरन है दैट विल कन्वर्ट इंटू फेरस एन इट विल रिलीज टू इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको कैप्स करने पड़ते हैं, किस कैप्स करने पड़ते हैं हाइड्रो को, तो इससे क्या निकल पाएंगे हम इसका ईएमएफ। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, तो ई सेल, अब देखो इसका ई स्टैंडर्ड सेल जो है दे रखा है, मीन्स इस पूरे सेल का जो यह बनता है वो दे रखा है 0.44, तो क्या लेंगे 0.44 माइनस 0.059 अपॉन एन कितना आ गया टू आ गया, एन कितना आ गया टू। अब देखो हमारे पास कौन सी मेटल एनोड पर होगी, कौन सी का हो कैथोड पर, हमें पता है कि आयरन कन्वर्ट हो रहा है किसमें प्लस टू में, तो ये कहा होगी एनोड पर, ऊपर क्या आएगी इसकी कंसंट्रेशन, ऊपर क्या आएगा 0.001 ठीक है नहीं, और अपॉन नीचे क्या आएगा वन। अब देखो जितना भी हमारे पास कोफिशिएंट्स होता है, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट्स कितना है वन है, यहाँ पे क्या है टू है, तो वही क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो उसकी मल्टीप्लाई होती है उसकी पावर्स बन जाती है ठीक है, ये आपने 11th क्लास में केपीआर कैसे निकाले होंगे। अब थोड़ा इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा 0.44 माइनस 0.0295, इसकी वैल्यू शायद आपको याद हो जाएगी। अब देखो ये क्या बन जाएगा लॉग 10 की पावर माइनस के 3 और अपॉन क्या आएगा 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस के 3, तो 0.44 माइनस 0.0295 और इंटू क्या हो जाएगा माइनस के 3 लॉग 10 मीन्स कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या जो इसका ई नॉट सेल से वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी, ई सेल आएगा, ई सेल जो आएगा इसका, अब पूरी सेल का जो ईएमएफ है वो क्या आएगा 0.44 से क्या आएगा ज्यादा है, 0.44 से क्या आएगा ज्यादा है, तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकता है 0.5 के आसपास आता है, तो 0.52 कर सकते हैं 0.52 वोल्ट। तो ये क्या है इस सेल का ईएमएफ है जो आपने क्या करा है ईएमएफ निकालने की कोशिश करी है ठीक है, स्क्रीन सॉल्व लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके लिए। अब देखिए हम करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.5 का फर्स्ट पार्ट है, एम जी सॉलिड ओब्लिक एम जी और साल्ट ब्रिज सी यू प्लस टू और क्या है सी यू सॉलिड, तो देखो पहला काम आपके रिएक्शन लिखनी, तो क्या हो जाएगी रिएक्शन क्या हो जाएगी एम जी से क्या बनना है यहाँ पे एम जी प्लस टू, तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे क्या आएगा प्लस टू आयंस और क्या बन जाएगा ये एम जी प्लस टू। देखो पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट इसका, इसके बाद प्रोडक्ट में इसका पहला और इसका दूसरा, सिंपल है, तो यहाँ पे क्या दे रखिए इसकी वैल्यू और यहाँ पे क्या है ये सी यू सॉलिड, तो रिएक्शन क्या होने के बाद रिडॉक्सेशन बन जाती है। तो ये हम क्यों करते हैं कि हमें निकालना पड़ता है इसके लिए एन, तो देखो यहाँ पे क्या है एन कितना आपको दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएंगे मैग्नीशियम से और दो ही कर जाएंगे गेन, तो यहाँ पे एन कितना आ गया टू। अब देखो पहला काम होता है हमें ई नॉट सेल निकालना, तो देखो हमें वैल्यू दे रखी होती है एम जी ई स्टैंडर्ड फॉर्म में एम जी का, ये हम कैसे निकालते हैं एस एच ई से स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालते हैं, तो वहां से आपकी वैल्यू दे रखी होती है माइनस के 2.37 वोल्ट एम जी का है और ये किसका है कॉपर कितना है प्लस के 0.34। तो पहला काम क्या होता है आपको ई नॉट सेल निकालना, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि कैथोड पे क्या है कॉपर है, तो क्या हो जाएगा 0.34 और माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2.37, तो क्या हो जाएगा 1 और 3 और 3.6 और ये 7 और ये क्या हो जाएगा 2.71, तो इसका ई नॉट सेल कितना आ गया 2.71 वोल्ट। इससे क्या हो जाएगा कि हमें देखना है कि अब जो इसका ईएमएफ है इस ई नॉट सेल से ज्यादा आएगा या कम आता है, तो अब निकालेंगे इसका ई सेल, ई सेल क्या हो जाएगा ई नॉट ठीक है सेल माइनस 0.059 अपॉन एन मतलब टू है, अब लॉग ऊपर कौन है देखो एनोडिक एनोड पे कौन है हमारे पास एम जी, ऊपर लिखेंगे इसको एम जी कितना हमारे पास एम जी है 1 2 3, तो
तो 10 की पावर माइनस के 3, और नीचे क्या है हमारे पास कॉपर, तो नीचे क्या है कॉपर कंसिडरेशन मीन्स कैथोड पे कौन है, तो 1, 2, 3, 4, 10 की पावर माइनस के 4। तो देखो क्या बचेगा, 10 का 3 के ऊपर क्या बचेगा 10, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये 10। तो सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 2.71 माइनस 0.0, अब इसको कह सकते हैं कि 0.0295, और यहां पे क्या बन जाएगा लॉग ऊपर जाएगा 10, तो यहां पर आ जाएगा लॉग 10 मीन्स 1, लॉग 10 मीन्स 1। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो इसका ईएमएफ है एट एनी कंसेंट्रेशन वो क्या आ रहा है ई नॉट सेल से क्या आएगा कम आएगा, तो ये टर्म्स कैश में से घट जाता है, तो यहां से ई सेल कितना आएगा आपके पास जब ई सेल निकालेंगे, तो यदि आपने अगर इसको डिफरेंस करा, क्या करा इसको डिफरेंस करा, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी इसके लिए कैलकुलेट करिए इसके लिए, तो क्या आ जाएगी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो लेट क्या हो जाएगा 2.68 वोल्ट, तो ये क्या डिपेंड करेगा इसके ई सेल को। अब देखिए हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, तो हमें दे रखा है कि 3.5 का एक फोर्थ पार्ट, तो पीटी सॉल्ट बीआर लिक्विड से क्या बनना है आपके पास बीआर आयंस और साल्ट ब्रिज, यहाँ पे क्या हेड ऑन कंसंट्रेशन ओब्लिक एस टू गैस, ओब्लिक क्या बना है एस टू गैस, तो पहला काम क्या इसके रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि बीआर आयन प्लस एच आयन, तो दोनों कंबाइन करते हैं और क्या बनता है, एक तो बनता है एस टू गैस और एक क्या बनती है आपके पास बीआर टू लिक्विड, बीआर टू लिक्विड, पहला काम क्या दोनों को बैलेंस करेंगे, तो यहां भी क्या आएगा 2 और यहां भी क्या आएगा 2, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पहले इसका ई नॉट निकालेंगे, तो इसका ई नॉट सेल जो आएगा वो क्या आ जाएगा कैथोड माइनस एनोड, तो यहां पे क्या हो जाएगा ई नॉट एच प्लस ओब्लिक एच माइनस ई नॉट, और यहां पे क्या है बीआर कितना है बीआर टू ओब्लिक बीआर माइनस, तो क्या बन जाएगा 0, ई नॉट जो होता है हेडरून का वो एसएचसी में क्या माना गया है 0 हो गया, तो माइनस और ये वैल्यू कितनी है 1.09, तो ई नॉट कितना आ गया इसका, तो ई सेल निकालेंगे तो ई नॉट माइनस 0.059, अब देखो इसका एन कितना आया है 2 आया है लॉग, अब देखो हमें देखना है कि दोनों क्या है यहाँ पे, दोनों क्या है आपके स्टैंडर्ड या मॉलिकुलर फॉर्म में चले गए, तो उसका मतलब क्या है कि ऊपर दोनों में क्या आएगा 1 × 1, तो नीचे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा बी आर की कंसेंट्रेशन और यहीं पे क्या आएगा एच आयन की कंसेंट्रेशन। अब देखो दोनों की जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है आपके पास 2, 2 है, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या आएगा 2, समझ गए, देखो दोनों क्या आपके पास मॉलिकुलर फॉर्म में चले गए मीन्स नो चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो क्या बन गया एच और एच, तो इसका मतलब ऊपर क्या आएंगे 1 और यहाँ भी क्या आएगा 1, तो 1 × 1 अपॉन ये, अब आप वैल्यू लगा सकते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास ई नॉट कितना आया है माइनस के 1.09 माइनस एन कितना हो जाएगा 2, तो 2 का मतलब क्या है कि सेम आ जाएगा 0.0295 लॉग। अब देखो हमें दोनों का स्क्वायर करना, तो देखो बीआर कितना है हमारे पास, बीआर है 10 की पावर माइनस के 2, तो 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर, और एच कितना है हमारे पास 0.03, तो 3 × 10 की पावर माइनस के 2 इसका भी स्क्वायर, तो अब लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या है इसकी बहुत आसानी से आ सकती है। अब देखो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 और यहाँ भी क्या होगा 10 की पावर 4, ऊपर जाएंगे तो 8 होगा, 10 की पावर प्लस के 8 होता है, 10 की पावर क्या होगा यहाँ पे प्लस के 8 होगा, तो उसका मतलब क्या है कि जब 8 ऊपर जाएगा तो 8, ठीक है नी, तो 8 और जब आप निकालेंगे तो 8 log 10, तो वैल्यू क्या है 8, उसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है आपकी थोड़ी सी क्या हो जाती है चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी चेंज, तो जो आपका टर्म्स है माइनस का जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगी अबाउट आप कह सकते हैं जो सॉल्व करेंगे 1.28 और ये क्या आएगा माइनस के वोल्ट, तो ये क्या आ जाएगा ई सेल ऑफ सच एलिमेंट जिसके अंदर क्या है आपके बी आर और आपका क्या है हाइड्रोनाइन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोनाइन कंसेंट्रेशन। तो आई होप सो आपको जो है नेक्स्ट इक्वेशन जो है थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा स्ट्राइक करता है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको थोड़ा समझ में आता है, ठीक है नी, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं आपके ई नॉट सेल या ई सेल निकालना होता है हमें किसका नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो पहले वीडियो हमने क्या निकाला था
किसी भी सेल टोट्स का, और इसमें हमने क्या निकाला है कि जो ईएमएफ है किसी भी सेल का एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपके लिए क्या हेल्पफुल है, लाइक एंड शेयर करें एंड बी हैप्पी एंड बी एट